मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम दलों ने चुनाव को लेकर अपने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। टिकट के दावेदारों ने भी पार्टी दफ्तर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, मगर कांग्रेस भारी संख्या में आ रहे इन टिकट के दावेदारों से शपथ पत्र मांग रही है, जिससे दावेदार अजीब उलझन में पड़े हैं। साथ ही ये सवाल भी उठने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में टिकट दावेदारों से शपथ पत्र क्यों मांग रही है कांग्रेस। विधानसभा चुनाव से पहले आखिर किस बात से डरी हुई है कांग्रेस? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टिकट को लेकर पार्टी दफ्तर में दावेदारों की बढ़ती भीड़ से नेताओं के होश उड़े हुए हैं। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि टिकट नहीं मिलने की सूरत में ये लोग चुनाव में पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक सकते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकट चाहने वालों पर एक और नई शर्त लगा दी है। उन्हें 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना होगा कि वे पार्टी से बगावत नहीं करेंगे, पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे जिताने का काम करेंगे। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि दावेदार खुद अपनी मर्जी से शपथ पत्र दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने सबसे शपथ पत्र देने को कहा है। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि टिकट बंटवारे में दावेदार के जनाधार की बात का भी ध्यान रखा जाएगा। जिस दावेदार का जनाधार है उसी को टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस का दिखावा करार देने में जुटी हुई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने नेता का भरोसा 100 रुपए के शपथ पत्र पर जुटा रही है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस का ये कोई पहला फैसला नहीं है जो सूबे की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हो। इससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस ने आवेदन के साथ 50,000 रुपए पार्टी फंड में जमा कराने का फैसला लिया था, जिससे विवाद की स्थिति बन गई थी। लेकिन अपने इस फैसले से कांग्रेस प्रदेश में पार्टी को एकजुट रखने में कहां तक कामयाब होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।